बड़ी खबर सामने आ रही है, देश के 100 एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। आपको बता दें, ईमेल में लिखा गया सब जगह होगा बूम बूम बूम। ईमेल की गई है, ईमेल में साफ तौर पर लिखा गया है कि इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। जयपुर एयरपोर्ट पर ही जांच की गई है, जयपुर एयरपोर्ट पर ही जांच की गई है। इसके अलावा बाकी जो एयरपोर्ट हैं उन पर भी जांच की गई है। 15 फरवरी और 27 दिसंबर को भी इस प्रकार की धमकी भरे मेल मिले थे। तो देश में 100 एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी किसने दी है, मेल किसने भेजी है, इसको लेकर अभी तक स्थिति साफ नहीं हो पाई है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि अलग अलग जगहों पर ये मेल गई है। इससे पहले भी कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, कई प्रमुख जगहों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। हालांकि अभी तक जांच में स्पष्ट नहीं हो पाया है कि धमकियां किसने दी हैं। फिलहाल बड़ी अपडेट यह है कि देश के 100 एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ईमेल में लिखा गया है बूम बूम बूम। देश के 100 एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई और एक बार फिर से डरा देने वाले ईमेल मिले। हालांकि तुरंत जांच एजेंसियां सक्रिय हुई, तमाम एयरपोर्ट्स की जांच की गई, कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिसकी वजह से टेंशन हो, जिसकी वजह से कुछ नुकसान हो जाए। लेकिन इन तमाम धमकियों की वजह से पहले भी डर बन चुका है। आपको बता दें कि 15 फरवरी और 27 दिसंबर को भी धमकी भरे मेल मिले थे। फिलहाल पूरी जानकारी यह है कि जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे सहित देश भर के 100 से अधिक हवाई अड्डों पर धमकी भरा मेल पहुंचा। मेल हवाई अड्डों पर तैनात केंद्रीय औद्योगिक बल की आधिकारिक मेल आईडी पर मिला। मेल में लिखा गया कि याद रखना, दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में अकेले टक्कर लेते हैं। हमने सबको तनाव में डाल दिया है, परिणाम के लिए तैयार रहें, सब जगह होगा बूम बूम बूम, ऑल द बेस्ट, इससे बचने का कोई रास्ता नहीं। मेल में साफ तौर पर धमकी दी गई है। वहां पे ये भी बता दें कि जांच लगातार की गई। हवाई अड्डे पर धमकी भरा मेल मिलने के बाद सीआईएसएफ के जवानों के साथ ही बम निरोधक दस्ते की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया। हवाई अड्डा प्रशासन की ओर से इस संबंध में पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई। सुरक्षा एजेंसियों के अलर्ट के साथ ही साइबर टीम भी जांच में जुट गई। पुलिस उपायुक्त तेजस्विनी गौतम ने बताया कि जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सहित देश भर के 100 हवाई अड्डों पर मेल किया गया था। अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजा गया जो मेल है, धमकी भरा मेल, इसके मिलने के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। ये बड़ी बात है कि कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है, ये राहत की बात है। साइबर टीम मेल भेजने वाले को ट्रेस करने का प्रयास कर रही है। पुलिस और सीआईएसएफ ने सुरक्षा अधिक कड़ी कर दी है। उल्लेखनीय है कि जयपुर एयरपोर्ट पर इससे पहले 15 फरवरी और पिछले साल 27 दिसंबर को भी बम धमाकों की धमकी मिली थी। तो ऐसे में सावधान रहने की भी जरूरत है और एक साथ ये बात भी समझने की जरूरत है कि ये जो धमकी भरे मेल भेजने वाले लोग हैं, इन्हें ये नहीं पता कि हमारी जांच एजेंसियां कितनी अलर्ट हैं और इस प्रकार के धमकी भरे मेल जो हैं उन पर कड़े से कड़ा एक्शन लेने के वो काबिल भी हैं। तो ऐसे में जो भी धमकी भरे मेल इस प्रकार के लोग भेज रहे हैं उन पर कड़ा एक्शन होगा और ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई भी होगी, ऐसी उम्मीद हम जरूर करते हैं।